हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन ऑटोज ब्लॉग। मैं आजकल पंचकनी में हूं और टाटा की 2020 हैरियर चला रहा हूं और ये गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। ये इसका एग्जेड प्लस ट्रिम है, इसका कॉस्ट 18.75 लाख है एक्स शोरूम, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। हम आपको इसका बहुत जल्द एक रिव्यू भी करके देंगे। बट मैं आपको बता दूँ, जो सबसे टफ कॉम्पिटिशन हैरियर के लिए होगा आने वाले दिनों में, वो होगा इसका नई ह्युंडई क्रेटा के साथ, जो कि हमने यहाँ पे डिजिटली प्लेस करी हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के कुछ स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन डिटेल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने में आसानी हो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने की सोच रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन की बात करें, तो पहले अगर हम हैरियर पर फोकस करते हैं, तो इसकी डिज़ाइन जो है टाटा की इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है। और शायद आपको पता हो, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब से मिस्टर प्रताप बोस ने इनकी डिज़ाइन की के डिपार्टमेंट को संभाला है, तब से इन टाटा की गाड़ियों के डिज़ाइंस के तो चार चांद लग गए हैं। दे आर ईजिली द मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग कार्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स, और हैरियर भी ऐसे ही कुछ है। और इसका जो फ्रंट हैंड है वो टाटा की, जैसे मैंने आपको बताया, जो यूजुअल डिज़ाइन फिलॉसफी है लेटेस्ट, उस पर बेस्ड है। तो आपको ह्यूमन लाइन और ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं। और यही नहीं, इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो भी आजकल जो ट्रेंड चला है मल्टी लेवल वाला, वो है। हुड लेवल पे आपको DRL मिलते हैं, मेन बीम नीचे है, फॉग लैम्प सबसे नीचे मिलेगी आपको। और एटलीस्ट फ्रंट से देखने में दिस कार इज लाइक इट लुक्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। ऑन द अदर हैंड वी हैव द न्यू क्रेटा विच हैज़ बीन डिज़ाइन एज पर द सेंसुअस स्पोर्टीनेस डिज़ाइन थीम ऑफ ह्युंडई। और इसमें भी कुछ कॉमन दोनों गाड़ियों में डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं मल्टी लेवल हेडलाइट्स जो हैं इसमें भी हैं, आपको हुड लेवल पे यहाँ पे भी DRL मिल रहे हैं, और मेन बीम एक मिडिल लेवल पे है, फॉग लैम्प लोअर लेवल पे है। तो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड जो आजकल हम देख रहे हैं गाड़ियों में, MG Hector में भी आपने देखा होगा। और इसके अलावा लेकिन दोनों गाड़ियाँ दिखने में एकदम अलग हैं एक दूसरे से। और एक तरफ हमें हैरियर काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलिन लगती है, ऑन द अदर हैंड क्रेटा इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड। इसका थोड़ा ज़्यादा आई वुड से कोरियन डिज़ाइन इन्फ्लुएंस साफ पता लग रहा है, और डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। बट आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आपको इन दोनों में से डिज़ाइन वाइज कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है। और साइड प्रोफाइल में भी अगर हम बात करें, तो दोनों गाड़ियाँ साइड प्रोफाइल में भी देखने में दे आर प्रिटी हैंडसम। दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और यही नहीं, क्रेटा में आपको साइड में जो आप देख रहे हैं रूफ के पास थोड़ा सा एक सिल्वर ट्रिम भी मिल रहा है, जो कि एक अलग सा कुछ लुक दे देता है क्रेटा की साइड प्रोफाइल को। और फ्रंट की तरह रियर भी जो है इसका क्रेटा का काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। पीछे भी आपको जो है एक मल्टी लेवल आप बोल सकते हैं लाइटिंग मिल रही है, बिकॉज एक तो रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है आपकी जो दो हेड टेल लैम्प्स को कनेक्ट कर रही है, उसके नीचे थोड़े और आपको लाइटिंग एलिमेंट्स मिले हैं। और अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है, तो इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे को अगर इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी होगी, तो आई विल प्रोबेबली चूज़ हैरियर ओवर क्रेटा बिकॉज ऑफ इट्स मोर फस्ट फ्री डिज़ाइन। बट फिर भी मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, आपको इन दोनों में से अगर कोई गाड़ी खरीदनी, तो आप मुझे बताइए कि आपको दिखने में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर अगर हम इंटीरियर की भी बात करते हैं, तो इंटीरियर के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी फीचर्स के साथ आती हैं। हैरियर को हाल ही में एक अपडेट मिला है, जिसमें इसमें तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड हो गए हैं, जो कि है पैनोरामिक सनरूफ और ऑटो डिमिंग IRVM और इलेक्ट्रिक पावर्ड फ्रंट सीट। और क्रेटा में भी आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, उस पर भी आपको एक सनरूफ मिलेगा। और दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, तो सेफ्टी के मामले में भी अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें, तो दे आर नेक टू नेक आई वुड से। बट एक चीज़ है जो क्रेटा आपको ऑफर कर रही है और हैरियर नहीं कर रही, वो ये कि क्रेटा में आपको ह्युंडई का ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स स्विच भी मिलेगा, तो दैट मेक्स क्रेटा यू नो हैव एन एडवांटेज ओवर द हैरियर। और इसका जो ये कनेक्टेड ऐप्स वाला जो सिस्टम है, उसके थ्रू आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जियो फेंसिंग मिलती है, रिमोट इमोबिलाइजेशन मिलता है, रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिलता है, आप घर बैठे अपनी गाड़ी का AC भी ऑन कर सकते हैं, ताकि गर्मी के दिन में जब आप गाड़ी पर जाएँ तो आपको गाड़ी ठंडी मिले। और यही नहीं, आप सनरूफ को भी वॉइस कमांड के थ्रू खोल सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। अगर आप गिज़्मो फ्रीक हैं, आपको गैजेट्स और ऐसी हाईटेक चीज़ों का शौक है, तो शायद ये फीचर्स क्रेटा के आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और
क्रेटा अभी हमने चलाई नहीं है, हम बहुत जल्द इसको चलाने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो स्पेस की बात तो हम नहीं कर सकते अभी, स्पेस का कंपैरिजन करना तो मुमकिन नहीं होगा बिकॉज अभी हम क्रेटा में नहीं बैठे हैं। बट सिर्फ अगर हम हैरियर की ही बात करें, इफ़ यू लुक एट इट एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस कार और आई एम प्रिटी श्योर कि क्रेटा शायद इसके बराबर स्पेस दे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगी बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्पेस हैरियर इज़ प्रिटी गुड। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, सो दिस इज़ वन एरिया वेयर ह्युंडई हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर इट्स टाटा राइवल, बिकॉज टाटा में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिल रहा है, ये जो BS4 हैरियर थी उसी का एक अपडेटेड वर्जन है इंजन का, जो कि अब 170 PS पावर बना रहा है, 30 PS ज़्यादा है पहले से। और यही नहीं, अब इसको एक 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिल गया है, जो कि एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, ह्युंडई सोर्स्ड है, और जो प्री फेसिव ट्यूसों आती थी उसमें से लिया गया है। ऑन दी अदर हैंड जो क्रेटा है, क्रेटा में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से दो पेट्रोल होंगे, एक डीजल होगा। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो आपको मिलेगा एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होगा उसमें आपको 6-speed मैनुअल और CVT ऑप्शंस मिलेंगे, और जो टर्बो इंजन है इस गाड़ी का उसमें आपको 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगा विद पेडल शिफ्ट्स, विच इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग ऑन द हैरियर। आपको डुअल क्लच का ऑप्शन नहीं दे रही है ये, और पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी नहीं दे रही है, और पेडल शिफ्ट्स भी नहीं है, सो दैट इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड। और अगर हम डीजल्स को ही कंपेयर करें तो डीजल इंजन आपको जो इस क्रेटा में मिल रहा है नई वाली, तो वो एक 1.5 लीटर यूनिट है जो कि बनाता है 115 PS एंड 252 Nm। ऑन द अदर हैंड दिस कार इज़ मच मोर पावरफुल, इट ऑफर्स 170 PS एंड 350 Nm। सो एटलीस्ट पेपर पे तो हैरियर ज़्यादा पावरफुल है अगर आप सिर्फ डीजल्स को कंपेयर कर रहे हैं, बट जैसा कि आपको पता ही होगा डीजल मॉडल्स का जो पॉपुलैरिटी है विद टाइम काफ़ी घट रही है, तो अगर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो हैरियर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इसमें अभी तक तो पेट्रोल इंजन नहीं आया है। शायद बहुत जल्द टाटा इसमें एक ऑफ़र कर दे नया पेट्रोल इंजन, बट अभी एटलीस्ट एट दिस मोमेंट व्हेन क्रेटा विल बी लॉन्च्ड तो आपको सिर्फ क्रेटा में ही पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एंड दिस इज़ समथिंग वेयर क्रेटा हैज़ अ डेफिनेट एडवांटेज ओवर इट्स टाटा राइवल। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी तक बोलता आया हूँ कि क्रेटा हम बहुत जल्द चलाने वाले हैं, और एक बार हम जब उस गाड़ी को चला लेंगे तब हम आपको एक और अच्छा कंपेयर करके बता सकते हैं, डिटेल्स का आपको एक अपना अच्छा अनुभव शेयर कर सकते हैं। फिलहाल जो भी पेपर पे जो इन गाड़ियों के डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आप मेरे को ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन दोनों में से किस गाड़ी को चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। और यही नहीं, अगर आपको कोई सजेशंस हैं आपके दिमाग में हमारे वीडियोज़ के लिए तो आप हमें वो भी बताइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे उन सजेशंस पे जल्द से जल्द काम करने की और अपने वीडियोस बेहतर करने की। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए हमारे ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ आपसे विदा लेता हूँ, मुझे आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।